हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज ये आपके लिए ये वीडियो लेक्चर नहीं है बल्कि नोटिफिकेशन आपके लिए है, आपके लिए नोटिस है, आपको इन्फॉर्मेशन है कि मैं यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अप्रैल से, ठीक है। और इसमें इस लेक्चर में आपको मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे आपको मेंस का सिलेबस कवर कराऊंगा, ये सारी इसमें आपको बताऊंगा। और क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम, इसका प्री का एग्ज़ाम जो है 4 अप्रैल को होना था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है। और अब आपके पास ये टाइम क्या है, जो भी टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तो डिसाइड है नहीं कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा, मई में भी हो सकता है या जून में भी हो सकता है या बहुत कुछ जून के बाद भी हो सकता है। तो आपके पास जो भी 2-2.5 महीने का टाइम मिला है, इसमें आप अपनी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको प्री के एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय देने वाला नहीं है, ठीक है। इसे जो भी समय मिला है उसका आप फ़ायदा उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो आइए चलते हैं, बताते हैं आपको इस लेक्चर में इसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, UPSC के मेंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ को आप इसको देखिए, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये इसमें आपको लॉ के पेपर में विशेषतः 3 पेपर होते हैं, कौन कौन, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर को जिसे बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, देखिए इसे क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मूल विधि। मूल विधि में देखिए क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, भारत का संविधान, संविधानिक विधि है ये, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, ट्रस्ट, इजमेंट, SRA, इक्विटी और पार्टनरशिप। तो यहाँ पे देखा जाए कि बेसिकली मेजर और माइनर मिला करके 11 लॉ हैं यहाँ पे, मेजर माइनर, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से अकेले ही 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये 11 एक्ट जो मेजर और माइनर मिला करके हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं, दूसरा क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ पेपर का, दूसरा पेपर क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। इसमें आपको पता है CPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, यानी टोटल 3 एक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेजर एक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो थर्ड पेपर है लॉ का, वो किसमें आता है, IPC और लोकल लॉज है। IPC अकेले 50 मार्क्स के आती है, ध्यान दीजिएगा, 50 मार्क्स का अकेले IPC का पूछा जाता है। बाकी 6 लोकल लॉज में क्या क्या है देखिए, जैसे UP कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम है ये, ठीक है, 1953 का है। दूसरा UP अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 का है। तीसरा है UP रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 का, हालांकि अब ये नया एक्ट बन गया है और ये 19 जनवरी से लागू भी हो गया है, लेकिन अभी सिलेबस में पुराना एक्ट दिया हुआ है इसलिए आपको पुराना एक्ट ही पढ़ना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा UP ग्राम पंचायत राज एक्ट 1947, UP म्यूनसिपालिटी एक्ट 1916 और जो छठा एक्ट है वो है रेवेन्यू कोड। तो ये आपको इस UPSC मेंस बैच में जो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें ये सारा चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिक्टेट कराऊंगा, उस पर पॉइंट पॉइंट नोट्स बनवा दूंगा और जो लेटेस्ट और लैंडमार्क केस ला है उस पर भी आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, इनके अलावा क्या है, इसमें जजमेंट राइटिंग भी, इस क्रैश कोर्स में, टारगेट कोर्स में जनरल राइटिंग भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ तो मेंस आंसर राइटिंग की टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है मेंस, क्योंकि UPSC का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है बहुत लेंदी एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, उसके लिए आप कितना पेज लिखेंगे, उसका आंसर राइटिंग कितना लॉन्ग होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग लिखेंगे तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा और जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपके जो इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो कम मार्क्स में होगा, तो आपके मेंस निकलने के चांस कम रहेंगे। इसलिए आपको इसमें क्वेश्चन वाइज आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कितने कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद प्रीवियस पेपर का इसमें सॉल्व भी मैं कराऊंगा कि जो भी, क्योंकि देखिए UPSC का पैटर्न, नया पैटर्न 2007 से स्टार्ट हुआ है, 2007, 9, 12, 14,
यानी 4 साल ये हो गया, 16 यानी 5 ईयर्स, और 3 साल और हुआ है, कौन कौन, पार्ट वन 2018 का, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, यानी 8 साल का पेपर मैं पूरा उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और मेंस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आप फाइनली HJS बन जाएं, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इसकी फीस क्या है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी ये बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप इसको ज्वाइन करिए और अपनी सफलता को सिक्योर करिए, ठीक है। और आप जो है, आपको मैं ये विश करूँगा कि आप इसको क्वालिफाई करिए और बहुत जल्दी ही अपनी मेंस की तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।